राम राम जी सभी ने। अब स्टडी की मैथ की रेशियो एंड प्रोपोर्शनल की दूसरी क्लास में तारा सारे का स्वागत है। अभी इसमें देर गया कि दी ए अनुपात बी 3:5 है, बी अनुपात सी 2:3 है, सी अनुपात डी 5:7 है, तो ए अनुपात डी का 2 क्वेश्चन में उम्मीद कर रहा हूँ सबको नज़र आ रहा होगा। देखो ए अनुपात बी कितना है दोस्तों 3:5, और ई बी अनुपात सी, देखो जिसने सी अनुपात बी लिख रखे आप बी अनुपात सी लिखेंगे, फिर सी अनुपात डी 5:6 पास लिख देंगे 5:6। ये भी देखो के करा इस 5 तय यो 5 कट जाएगा, इस 3 तय यो 3 कट जाएगा, 2 एकम 2 2 3 6। तो इसने पूछा ए अनुपात डी, देखो ऐड कट गया तो एक बच गया। इसने पूछा ए अनुपात डी, ए की जगह एक और डी की जगह 3, तो 1:3 यो ये देखो दे रखे दोस्तों, ये दे रखे एक ए ऑप्शन। मैं उम्मीद कर रहा हूँ सभी मित्रों को और मित्रियों को समझ में आया होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं देवियों सजनों। अगला क्वेश्चन है कि यदि ए बटे बी, बी बटे सी, सी बटे डी वो अनुपात दे रखे है बी अनुपात सी दे रखे है 4:5, सी अनुपात डी दे रखे है 5:6, ए एन अपन क्या करना है तो ए बटे डी को अंश और हर का योग, अपन ए अनुपात डी का रेशो ऐड किया उनकी पावर 10 करनी है। देखो 4 तय 4, 5 तय 5, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ए बटे डी की पावर 10, ए बटे डी यानी कि 1/2 की पावर 10, 1 की पावर 10 तो 1 हुआ है, 2 की पावर 10 हुआ है 1024, क्योंकि 2 की पावर 5 की हुआ है 32 हुआ है, तो इसे ना जोड़ांगे इनका योग आओगे 1025। क्या आ गया भाई यो 1025, तो ए इज द राइट आंसर। ए यो क्वेश्चन जो है सर CMTS 2019 में आया हुआ है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि सबको अच्छा लगा होगा, बड़े अच्छे समझ में आया होगा। अपन ए बी सी डी का रेशियो लिखा, काट दिया क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो 3 दूनी 6, तो 1/2 का रेशो 1/2 की पावर 10 करके, 2 की पावर 10 कितनी है 1024, 2 की 10 बार गुणा कर लियो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि पी क्यू आर का अनुपात दे रखा है, 4:5 पी क्यू आर का 4:5:6 रेशो है, तो पी बटे क्यू, देखो पी बटे क्यू अनुपात क्यू बटे आर अनुपात आर बटे पी, तो देखो 4:5 क्यू बटे आर 5:6, फिर अनुपात केवल अगर 6:4, 2 3 6 2 2 4। इब देखो इनका एलसीएम ले लो एक बार, 5 6 30 इनका एलसीएम ले लो, नीचे वाले का एलसीएम लिया अपन 30 एलसीएम आ गया दोस्तों, 30 तो अपन मल्टीप्लाई कर देंगे 4:5 ने, 5:6 ने और 3:2 ने, सब ने आप मल्टीप्लाई कर देंगे 30 तो 4:5 की करी, 5 6 30 6 4 24 आ गया भाई 24, फिर इसकी करेंगे 6 6 तक कट जाएगा 5 5 5 25 आ जाएगा 24 25, और फिर 1 45 आ जाएगा 24 25 45, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। डी के है इसका दोस्तों परम सत्य आंसर है भाई, सभी मित्रों को समझ में आने लग रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि ए बी सी 3A 4B 5C का अनुपात में है, तो ए बी सी का रेशो 3A 4B 5C का रेशो, देखो इनका एलसीएम 3 4 5 का आप एलसीएम लेंगे सबने बताया कितना होगा 60, इनमें 60 तब गुणा करूँगा, 60 तक जब भी गुणा करूँगा एकदम जी 60, 3A 4B 5C, तो ए का मान जो आप कैस कहान होगा 1/3, ये 60 तक मैं पूरे गुणा कर दूँगा, तो ए का मान आ जाएगा 20, इसी प्रकार बी का मान आ जाएगा 60/4 कितना 15 15, सी का मान आ जाएगा 12, तो 20 15 12 दोस्तों के है। डी इज़ द राइट आंसर। डी इसका क्या है दोस्तों परम सत्य उत्तर है। यो क्वेश्चन जो है CGL 2020 का एग्जाम में आया था भाइयों।
मैं उम्मीद करूँगा सबको समझ में आने लग रही है अच्छे से। रेशियो की सेकंड क्लास है। इफ देखो 3x - 2y, 3x - 2y बटे में 2x + 3y बराबर 5 रेशो 6। आर पार गुणा करेंगे, 6 * 3 = 18x, 6 की इधर करेंगे मल्टीप्लाई 2y, तय 6 * 2 = 12y बराबर है 5 * 2 = 10x माइनस तो प्लस का 15y। एक्स वाले एक साइड कर लो, इधर लेके जाओ 10 ने तो 18, ये प्लस का 10 है इस साइड जाके माइनस तो 18 * 10 = 8, ये माइनस का 12 रह गया प्लस का तो 15 * 12 = 27। तो आप कह देंगे एक्स बटे वाई का रेशियो जो है, एक्स बटे वाई का जो रेशियो है वो क्या हो जाएगा, एक्स बटे वाई का जो रेशियो होगा वो आ जाएगा 8 नहीं दोस्तों, देखो ये वाई साइड आओगा एक्स नॉन 8 नॉन जाओगा तो 27 * 8 हो जाएगा क्या हो जाएगा 27 * 8। अगर थोड़ा सा मैं नेक्स्ट पेज पर करता हूँ सॉल्यूशन, इन्हें दे रखा है ऐसे वर्गमूल 3x - 3y / 3x ऐड प्लस ऐड नीचे माइनस, देखो भाई 3 का मतलब है वर्गमूल तो 27 का वर्गमूल प्लस 8 का वर्गमूल फिर 27 का वर्गमूल माइनस फिर 8 का वर्गमूल, 27 का वर्गमूल हुआ 3 * 3 = 27 फिर 2 * 3 = 5 3 में 2 गए 1 5 उत्तर आ जाएगा 5 बी इज द राइट आंसर, बी इसका क्या है परम सत्य उत्तर है। अपना तक शुरू में रेशियो दे रखा था 3 * 2 * 2x + 3y 5 * 6 अपना आर पार गुणा करिए एक्स वाई का रेशियो काट दिया, एक्स वाई का रेशियो इसमें पहले पुट कर दिया अपन ने। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ABC, AC, A/B, C/D और E/F का रेशियो 3/4 है तो अपन ये बताना है कि ACEBDF क्या है, ACEBDF का उत्तर बताना भाई। देखो ऑप्शन गायब हो रहे हैं, कोई बात नहीं, तो A का मान भी 3 है, C का भी और इसका भी, तो सारे नाम जोड़ेंगे 3 + 3 + 3 तो 4 + 4 + 4 3 * 3 = 9 4 * 3 = 12 वही काटा पिटी हो जाएगी 3 * 3 = 4 आ जाएगा तो उत्तर ये होगा दोस्तों 3/4। देखो ए सी ई सब की वैल्यू 3-3 है, इनके नीचे वाले में 4-4 है, अपन वैल्यू करनी है A + C + E + B + D + F ठीक है दोस्तों भाई। प्लीज़ शेयर करते रहो अपने चैनल ने, छोटा सा चैनल है तारे वर्ग के छोटे भाई बहनों का साथ चाहिए मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों ABCDE, देखो A/B, B/C, C/D और D/E और E/F सबका 1/3 रेशो है, सब ने जोड़ दो ऊपर वाले ने और सब ने जोड़ दो नीचे वाले ने, अपना देखो सब ने जोड़ोगे 1 2 3 4 5 तो 5 नीचे वाले जोड़े 1 2 3 4 5 5 * 3 = 15 फिर वही 5 * 5 = 15 इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए तो जो रेशो दे रखा हो अगर सीधे सीधे ऊपर नीचे वाले जोड़ रखे हों, जो अगर ABCDE जोड़ रखे हैं इसमें यहाँ BDEF जोड़ रखे हैं BCDEF तो सीधा वही उत्तर आ जाएगा जो दे रखे हैं रेशो में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। A/B, C/D, E/F बराबर 2/3 है भाई, तो ए अपन करना है 2A² - 3C² 4E² / 2B, 3D, 4F² देखो ए सी ई का मान दे रखा है तो 2 * A² - 2 प्लस आप ए का मान रख दिया पूरे, बस सी का मान यहाँ रखेंगे 3C² 3 * 2² माइनस में तो यहाँ पर माइनस है दोस्तों यहाँ प्लस 4 * E 2
स्क्वायर, स्क्वायर नहीं स्क्वायर होता है, तो दो गुणा में बी, बी कितनी है, बी की वैल्यू कितनी है, तीन, तीन का स्क्वायर क्या है, नौ, माइनस तीन गुणा डी की, डी की वैल्यू कितनी है, फिर नौ, तीन का स्क्वायर नौ, प्लस चार गुणा एफ का स्क्वायर कितना, नौ, तो दो दुनी चार, चार दुनी, अगला पेज पर चलेंगे, अगला पेज, नेक्स्ट पेज पर देखो, दो दो दुनी चार, चार की दो गले आठ, माइनस तीन गुणा दो का स्क्वायर है तीन गुणा चार, फिर प्लस है यहाँ चार गुणा दो का स्क्वायर कितना है चार, तो चार गुणा चार है, नीचे नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे, देखो यहाँ एक सेकंड, यहाँ देखो दो नीम में अठारह, तीन नीम में सताईस, चार नीम छत्तीस, यहाँ छत्तीस आ गया, यहाँ सताईस आ गया, तो यहाँ कितना है अठारह, छत्तीस और अठारह चौवन, चौवन में सताईस गए सताईस, तो यहाँ सताईस आ गया, चार चौके सोलह, सोलह प्लस आठ माइनस बारह बटे सताईस, चौबीस माइनस बारह बटे सताईस, बारह बटे सताईस आ गया भाई, तो तीन चौके बारह, तीन नीम सताईस, मेरे हिसाब से चार अनुपात नौ ए इज द राइट आंसर। किसी को नहीं समझ में आया है सिर्फ वैल्यू पुट करी है, पीडीएफ तुमने मिल जाओगी सब ने, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी नीचे मिल जाओगा, शेयर करने हैं ज़्यादा ज़्यादा। देखो जी, यदि ए बटे बी, बी बटे सी, सी बटे डी दे रखी है, डी बटे ई, ई बटे एफ, एक नंबर का क्वेश्चन है भाई, ए अनुपात बी, एक अनुपात तीन है, बी अनुपात सी, बी बटे सी, बी बटे सी कितना है दोस्तों, दो अनुपात एक, सी बटे डी कितना है एक अनुपात दो, डी बटे ई कितना है दोस्तों तीन अनुपात एक, तीन अनुपात एक, ई बटे एफ कितना है एक अनुपात चार है, ये बात क्या है मेरा है, ए अनुपात बी, अब अपन कहना ए बी सी चाहिए, देखो बी यहाँ तो तीन दे रखा है, बी यहाँ दो दे रखा है, तो आप क्या करेंगे, उरे तो दो तक गुणा, उरे तीन तक गुणा, जब सी गुणा लंबी करनी पड़ेगी, दो अनुपात छः आ जाएगा, ए अनुपात बी मैं यहाँ लिख देता हूँ, फिर छः अनुपात एक आ जाएगा, बी अनुपात सी, तो बी की वैल्यू छः होगी, सी अनुपात डी, सी अनुपात डी, देखो सी यहाँ कितनी है दो, सॉरी एक, एक मिनट, तीन एकम तीन है भाई, कितनी है तीन एकम तीन, अभी यहाँ कितनी है एक है सी, तो यहाँ अपन कितने तक गुणा करना, गुणा करनी पड़ेगी, तीन बनानी है तो तीन तक गुणा करनी पड़ेगी, तो तीन एकम तीन, तीन दुणी छः, ये बात आ गई डी, डी यहाँ कितनी है तीन, और यहाँ कितनी है छः, तो यहाँ अपन दो तक गुणा करनी पड़ेगी, तो एक सेकंड खतर, देखो सी अनुपात डी हो गया तीन छः, देखो सी की वैल्यू यहाँ, यहाँ भी तीन, यहाँ भी डी की वैल्यू अपन तीन दोनों छः बनानी है, तीन दोनों छः, डी अनुपाती जो एकम दो, ई बात है डी अनुपाती आ गया, ई अनुपात एफ, ई अनुपात एफ एक अनुपात चार दे रखा है, एक बटे चार अगर दे रखा है दोस्तों, तो अपन चाहिए ई की वैल्यू कितनी, ई की वैल्यू और दो है, तो अपन दो तक गुणा कर देंगे, दो अनुपात आठ है जगह, और दो तक गुणा कर दें, ये अपन के चाहिए है ए बी सी, ए बी सी, तो दो गुणा में छः गुणा में सी की वैल्यू कितनी है तीन बटे डी ई एफ, डी की वैल्यू तो देखो डी की वैल्यू छः है दोनों जगह, फिर दो है और फिर आठ है, तो छः गुणा दो गुणा आठ, देख लेता हम थोड़े से एक सेकंड, ये सीधा अपन सिद्ध करनी थी, हमने ए बी सी डी एफ की वैल्यू निकालनी थी, एक बार इसको थोड़ा सा हम साइड लेके जाओगे, देखो यहाँ देखते हैं, छः तय छः कट गया, दो तय दो कट गया, तीन बटे आठ है गया, तीन बटे आठ, तीन बटे आठ आया साथियों, कितना आया है तीन बटे आठ, तीन अनुपात आठ, तो सी इज़ द राइट आंसर, सी इसका कह रहा होगा उत्तर होगा,
ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन तरह समझ में आया होगा सबका, इस तरह से इसको आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एक बार, देखिए पी बटे क्यू, पी अनुपात क्यू दे रखा है 1:3, क्यू अनुपात आर दे रखा है 2:1, आर अनुपात एस दे रखा है 1:2, एस अनुपात टी दे रखा है 3:1, टी अनुपात यू दे रखा है 4:1, ऐसे दे रखा साथियों, पीछे वाले क्वेश्चन की तरह ही है। देखो आर जो ना जगह कितना 1 है, तो अपन को क्या करना है, पी गुणा क्यू गुणा आर पीछे वाले क्वेश्चन की तरह है, एस गुणा टी गुणा यू, सबकी वैल्यू अपन सेम करांगे, फिर इसका क्यूब निकाल लेंगे। मैं उम्मीद करूँगा कि सारे बच्चे इसका सोल्यूशन अपने आप से करें और आगे हम बढ़ेंगे। पी बटे क्यू दे रखा है, देखो पी प्लस सॉरी पी बटे क्यू दे रखा है 7:1, तो पी प्लस क्यू और पी माइनस क्यू निकालना है, तो 7 + 1 7 - 1 यह आ जाएगा 8/6 4/3, यह आ जाएगा दोस्तों CGPSC छत्तीसगढ़ PSC का उत्तर क्वेश्चन है वो। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि सबको अच्छे से समझ में आ रहे हैं क्वेश्चन। इसी प्रकार यदि 1.5 गुणा एक्स का 0.04 के बराबर है, देखो 1.5 गुणा एक्स बराबर है 0.04 गुणा वाई के, तो आप एक्स बटे वाई करांगे 2 सेकंड 0.04, तो 1.5 का है इसका पॉइंट का नाम की 0 ऊपर 2.20 नीचे है। देखो 1 0 से 1 0 आप कट लेंगे और कुछ कट रहे हैं, तो 1 सेकंड 2 2 4 2 5 10, तो 2/75 का रेशो आ गया y माइनस एक्स और y प्लस एक्स। देखो y माइनस एक्स बटे y प्लस एक्स, y का मान 75 है, तो 75 में 2 = 73 और 75 में 2 = 77, तो ऑप्शन नंबर ए इज द। देखो अपने तक पहले अपन एक्स वाई का रेशो निकालना है दोस्तों, एक्स वाई का रेशो आ जाएगा 2:75, एक्स की वैल्यू 2 आओगी, वाई की वैल्यू 75 आओगी, तो वाई माइनस एक्स वाई प्लस एक्स। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, ए अनुपात बी कितना 3:4, बी अनुपात सी कितना है 6:5, तो यहाँ 3 तक गुणा और यहाँ गुणा 2 तय, तो 3 तय ए अनुपात बी हो जाएगा 9:12, बी अनुपात सी हो जाएगा 12:10। तो इसने कहा कि ए अनुपात ए प्लस सी, ए की वैल्यू कितनी है 9 इंटू में ए प्लस सी कितना हो जाएगा 9 और 10 19, तो 9:19। ये तो आसान सा क्वेश्चन था भाई, 27वां क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ए बी सी दे रखा है, ए अनुपात बी अनुपात सी दे दिया 1, 3 और 5, तो 4 ए की वैल्यू 1 माइनस बी प्लस में 2 × 5 2 सी, ए बी सी की वैल्यू रख रहा हूँ मैं, देखो यहाँ बटे में 3 ABC 5 3 8 1 9, ये देखो 4 × 4 -3 + 10 बटे में 3 × 27 10 × 14 = 11/27 भाई, ये आ गया दोस्तों CHSL का क्वेश्चन है, सारे के सारे नए क्वेश्चन हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन XYZ, मैं उम्मीद करूँगा कि ये सारा का सारा क्वेश्चन बच्चे सॉल्व करें अपना आप तय, नहीं आऊँ तो कमेंट करो, नेक्स्ट वीडियो में मैं सोल्यूशन कराऊँगा। होमवर्क के लिए तुमने 2 क्वेश्चन दे के जा रहा हूँ मैं, ये 2 क्वेश्चन तुमने मैं दे के जा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन तुम नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जय श्री राम, यहाँ ये क्वेश्चन है। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक्स, वीडियो को शेयर करें लाइक करें और सब्सक्राइब करें अपने चैनल को। यहाँ तक तो हमने PDF मिल जाओगी, तो थैंक यू एंड लव यू ऑल।